आज मैं आपके साथ एक हेल्दी स्नैक रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत टेस्टी है एंड इजीली आप इसको किचन में अवेलेबल इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं एकता स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल खाना ऑन डिमांड में। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखते हैं रेसिपी को। इसके लिए मैंने ये बोल लिया है, इसमें ये 1.5 कटोरी सूजी ले रही हूँ। आप चाहे तो किसी कप से भी मेज़रमेंट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे एंड अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। उसी कटोरी से मैं ये 1/2 कटोरी से ज़्यादा कर्ड ले रही हूँ, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड ये 1 टेबल स्पून राइस फ्लोर है। चावल का आटा बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस थोड़ा सा लेना है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड इस तरीके से इसका सॉफ्ट डो लगा लेंगे। डो लग गया है, अभी मैं इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख दूँगी और तब तक स्टफिंग तैयार करते हैं। स्टफिंग के लिए मैंने ये ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में, थोड़ा सा मस्टर्ड सीड, क्यूमिन सीड, ये ग्रीन चिली है इसको मैंने चॉप कर लिया था, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, करी लीव्स, सॉटे कर लेंगे इसको इस तरीके से। ये अनियन है इसको भी मैंने चॉप कर लिया है, इसको भूनना है इस तरीके से। तरीके से भून लेंगे इसको। स्पाइसेस में ये टर्मरिक पाउडर है, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा ये मैंने मैगी मसाला लिया है इसको भी ऐड कर देंगे एंड इस तरीके से मिक्स कर लेंगे इनको भी। अच्छे से भून लेंगे मसालों को। ये टमाटो है इसको मैंने चॉप कर लिया था, इसको भी भूनेंगे। ये कैप्सिकम है इसको भी मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से 2 मिनट तक भूनना है। ये बॉयल पोटैटो है इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा सा पीनट एंड कैश्यू है, ये थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा सॉल्ट है ऐड करेंगे एंड सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दो मिनट तक भूनना है इसको अच्छे से। ये भून चुका है अभी। अभी ये चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स को मैंने ऐड कर दिया इसमें अच्छे से मिक्स करके, और गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। एंड 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट के बाद में जो डो लगा के रखा था उसको चेक करेंगे एंड इसको अच्छे से मैश करेंगे इस तरीके से। ये डो मैंने लगा लिया है, थोड़ा सा ये डो लेंगे इस तरीके से, तरीके से इसको रोल करेंगे और जो स्टफिंग बनाई थी इस तरीके से फिल करेंगे और इसको ऐसे ही थोड़ा सा प्रेस करते हुए बंद करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से बना लेंगे और जो भी इसका एक्स्ट्रा एज है वो निकाल देंगे और ये रोल करते हुए इस तरीके से सारे रोल्स बना लेंगे। मैंने ये कढ़ाई ली है और इसमें पानी रख लिया है और इस तरीके से एक आपको छेद वाली प्लेट लेनी है और इसको मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। जो अब जो बॉल बनाए हैं उसको इसी में रखेंगे स्टीम करने के लिए इस तरीके से। सारी बॉल्स जो मैंने बनाई थी स्टफिंग करके वो स्टीम होने के लिए रख देंगे। ये देखिए मैंने सारी बॉल्स को सेट कर दिया है और इसको इस तरीके से कवर कर देंगे और इसको 20 मिनट तक
स्टीम होने देंगे। 20 मिनट के बाद में इसको चेक करेंगे। ये देखिए एकदम अच्छे से कुक हो चुकी है और ये जो प्लेट है वो हटा लेंगे। इसको मैं हटा ले रही हूँ। फ्राई करने के लिए मैंने ये कढ़ाई में ऑयल डाला है, थोड़ा सा मस्टर्ड सीड, थोड़ा सा क्यूमिन सीड एंड ये करी लीव्स, थोड़ा सा ये चिली फ्लेक्स है, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और जो स्टीम करके रखी थी बॉल्स वो इसी में ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। थ्री टू फोर मिनट्स के लिए इसको फ्राई करना है इसी तरीके से। इस तरीके से ये रेडी हो चुका है इस तरीके से। एंड लीजिए, आपका हेल्दी स्नैक बनके तैयार है। बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं किया है एंड बहुत टेस्टी है। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिए, जो भी एक्सपीरियंस हो आके ज़रूर शेयर कीजिए। एंड इसको आप ग्रीन चटनी सॉस किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी